हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक न्यूज़ आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड में जो कोयला अधिकारी होंगे उनका समस्तरीय प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि शीर्ष कोयला अधिकारियों की काफ़ी कमी है कोल इंडिया लिमिटेड में, यानी जो हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी काफ़ी कमी है कोल इंडिया लिमिटेड में। तो इस कमी को दूर करने के लिए डिपार्टमेंटल अधिकारियों के जरिए प्रमोशन करके, यानी जितने भी डिपार्टमेंटल अधिकारी अलग अलग डिसिप्लिन से हैं उन सब का प्रमोशन करके ये कमी जो है उसको फुलफिल कर लेने का ऐसा प्लानिंग किया गया है। कोल इंडिया प्रबंधन ने समस्तरीय अधिकारियों को प्रौद्योन्नति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मॉडल तैयार कर लिया गया है। सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के बाद कोल इंडिया की GMP TP SOC ने अधिसूचना जारी की कर दिया गया है। मतलब इसका जो सर्कुलर है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक हॉरिजेंटल मूवमेंट के तहत विभिन्न संभागों यानी डिसिप्लिन के समस्तरीय अधिकारी को प्रमोशन देने को लेकर के 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यानी एक जो कमेटी है उस कमेटी में ECL के जो CMD है PS मिश्रा, उसके बाद MCL के डायरेक्टर विथ यानी कि डायरेक्टर फाइनेंस जो है KR वासुदेवन, कोल इंडिया के GM सेल्स और मार्केटिंग के AP सिंह और GMPE के तृप्ति प्राग सौ और BCCL के GM अमृत तोपनो, ये सब शामिल हैं। ये 5 मेंबर शामिल हैं। ये डिसाइड करेंगे कि किन किन मेंबर को प्रमोशन दिया जाएगा। ये जो प्रमोशन होगा ये हॉरिजेंटल प्रमोशन होगा। वहीं साक्षात्कार का जो कार्यक्रम है वो अलग अलग निकाला जाएगा, सूचना इसका निकाला जाएगा अलग से, जिसमें माइनिंग को छोड़ करके जितना भी अदर डिसिप्लिन है तो उसमें E6 से E7 ग्रेड में 3500 से अधिक अधिकारियों की कमी है। वैकेंसी के बावजूद 2500 से अधिक जूनियर अधिकारी प्रमोशन के इंतज़ार में अभी भी वेट कर रहे हैं अपना। जूनियर का जो प्रमोशन है उसमें भी थोड़ा संकट है, इसलिए है क्योंकि प्रमोशन के निर्णय से जूनियर अधिकारियों में असंतोष दिख रहा है। जो गैर संभाग के यानी कि अदर डिपार्टमेंट के हैं उनके अधिकारियों में प्रमोशन होने के लिए जो उक्त ग्रेड है उससे अधिकारियों में प्रमोशन पर संकट आ सकता है। वैकेंसी ख़त्म होने के बाद कैडर स्कीम और ग्रेड के हिसाब से जूनियर अधिकारियों को प्रमोशन में विलंब होगा, लेट होगा उनको प्रमोट करने में। करीबन ऐसा मान के चले तो सैकड़ों अधिकारी हैं जिनका 8 से 10 साल तक एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं, अभी भी फ़िलहाल उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, जबकि नियम के हिसाब से उनका प्रमोशन 3 सालों में होना चाहिए, लेकिन वैकेंसी के कारण उनका प्रमोशन में काफ़ी विलंब हो रहा है, उनको प्रमोशन से वंचित रखा रह गया है। और ये चीज़ यानी जो हॉरिजेंटल सिस्टम लागू हो रहा है इससे भी काफ़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि अगर हॉरिजेंटल प्रमोशन किया जाए, 2 प्रमोशन होता है, एक होता है वर्टिकल प्रमोशन, एक होता है हॉरिजेंटल प्रमोशन। वर्टिकल प्रमोशन में गैर अधिकारी होते हैं वो अधिकारी बनते हैं, अधिकारी और ऊपर के पोस्ट में जाते हैं। और हॉरिजेंटल प्रमोशन में क्या होता है, जो डिसिप्लिन वाइज होता है, अदर डिसिप्लिन होता है, अलग अलग संभाग होता है, उसी के हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है। तो इससे जो जूनियर अधिकारी हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 8 से 10 सालों तक पहले से ही बहुत से अधिकारी हैं जो वेट कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, और ये वाला जो सिस्टम है लागू हो जाने से उनको और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसके लिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड ये जो एजेंडा बनाया है, ये जो उनका मॉडल बनाया गया है प्रमोशन नीति, तो इसके तहत कितने अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाता है और आगे क्या क्या उसका सिचुएशन होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और आप अगर चाहें तो इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।